आ दीप हस्पताल विच बाबा जी जांदे रहे ना, ये मैं तां सुना रहा कि अपना प्यार वध जे होर प्यार वध जाए अपना। दीप हस्पताल च गए बाबा जी दे नाल, असी भी चले गए सारे। तो बाबा जी ने जो हस्पताल जाना ना, एक बार फोर्टी जो गोड्या का ऑपरेशन करवाया, उत्थे ठाठ ही बन गया, लंगर लग गए उत्थे। सारे वो सेवादार नर्स भाई उत्थे सेवा करने वाले सारे ही जिन्ने गेट कीपर सारे बाबा जी आके सवेरे मत्था टेकया करन, शाम नूं भी मत्था टेकया करन, प्रसाद लेके जाया करन। आ दीप हस्पताल गए उदों पेशाब का बन पै गया सी बड़ा। उत्थे डाक्टर ने कहा कहिंदे हुण महापुरशां नूं पाणी पियाओ, फिर कहिंदा हुण कॉफी पियाओ, कदे कुछ पियाओ, कुछ ना कुछ पियाई गए सेवादार खड़े, बंद नहीं खुलिया। ये मैं खुद आप वेख्या ये नज़ारा, बंद नहीं खुलिया। हैरान हो गए असी, गोली भी दित्ती डॉक्टर ने। साध संगत उत्थे ना एक बीबी कहिंदी सानू महापुरश मिल सकते हैं। मैं सेवादार नूं अंदर गेट खोलिया कि बाबा जी के दर्शन करने हैं किसी ने, तो वह ना बीबी का बच्चा बड़े चिर तो पता नहीं रब जाने किहड़ी उन्हूं बीमारी लगी हुई सी जिहड़ी ठीक ही नहीं सी हुंदी। साध संग तो निक्का जिहा बच्चा अंदर चले गए, मत्था टेकिया, नमस्कार कीती, बाबा जी ने प्रसाद दिता। वह निक्के जिहे बच्चे दे ना इदां सिर ते हथ रखता। उदू बाद कहिंदे चलो बई, कहिंदे सानू बाथरूम च लै चलो, कहिंदे सानू हुण पेशाब आ गया, सानू हुण बाथरूम आ गया। साध संगत रब जाने पता नहीं किहड़ियां रूहां नूं कित्थे जोड़ना है, कित्थे तारना है, ये रब दे प्यारे जाणदे। मैं बड़ा हैरान होया, मैं कहा असीं इन्ना कुछ पियाता उदों तक बन नहीं खुलिया, ते आ छोटे जिहे बच्चे ने दर्शन किए, उहदी माँ ने दर्शन किए, उहनूं आशीर्वाद दिता, उन्हें अपनी बेनती की। उदू बाद कहिंदे चलो बई, कहिंदे चलीए। इदां दे कौतक कई तुहाडे नाल भी होए होणगे, साडे नाल भी होए, बेअंती याद आई जांदे। सो ऐसे महापुरशां दी साध संगत ये जिहड़ी चमड़े की जबान है ना, ये उस्तत नहीं कर सकदा। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावां रा, तेरे चरणा तेरे चरण धूर वड़भागी पावां रा। रब दे प्यारे महापुरश इन्हां दे गुण बेअंत ने, क्योंकि वह अकाल पुरख वाहिगुरु बेअंत है, तो वो प्यारे भी बेअंत ने। साध संगत उन्हां दी उपमा नूं कह नहीं सकते, तो जिन्हां दी याद दे विच आपां जुड़ के बैठे ना, बाबा आनंद सिंह महाराज बाई बाई घंटे उन्होंने बंदगी करनी, किसी दे नाल बोलना ना। तो साध संगत जे बोलना तो कहिंदे फिर चली जाती हवा भी खड़ जाती होंदी सी उन्हां दे बोलण दे नाल, ते ऐसा वचन का तीर मारना ते फिर सारा कुछ ही सिद्ध हो जाता हुंदा सी। ऐसे रब दे प्यारे महापुरशां दी आपां नूं संगत करन दा सुभाग समा मिलिया। असी बाबा आनंद सिंह महाराज नूं नहीं वेख्या, तुसीं तां बाबा मीआं सिंह दे दर्शन कीते ने जिन्हां दी उमरां वड्डियां, असी तां उन्हां दे भी नहीं कीते। पर अज बाबा आनंद सिंह महाराज नूं लभण दी लोड़ नहीं, जिथे आपां बैठे हाँ ना साध संगत, ये वहम ही नहीं किसी प्रकार का, मैनू कोई शंका नहीं इस गल दे उत्ते, उही सरूप है, उही रूप है, उही। मैं कई बार तकिया बाबा जी नूं जदों तुरे आउंदे आ ना, उदां ही लगता है जिवें बाबा मीआं सिंह महाराज जी का सरूप आपां वेखदे हां। तौर भी उदां दी, पग बन्नण का तरीका भी उदां दा, उदां दा ही हो जांदा है। जिन्हों आप आराधन लग जाइए, जिन्हों पढ़न लग जाइए, उदां दा ही साडा जीवन बन जांदा है। सारी सारी रात बाबा मीआं सिंह महाराज जी दे सरूप दे सामने खड़ के बंदगी दे विच गुजार देनी, उही सरूप बन गया बाबा जी का।
वो अकाल पुरख रब का स्वरूप है, जिहड़ा महापुरशां का स्वरूप है।